सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका संदीप सर। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल MLT ट्यूटोरियल बाय संदीप सर। तो चलिए आपको आज इस सफर में ले चलते हैं, जिस सफर कोई चकाचौंध जिंदगी का आपको दिशा नहीं देगी, जिसका नतीजा सुशांत सिंह जैसा हो सकता है, इसका आपको हम इस दिशा में ले जाएंगे। आज इस सफर में आपको ले जाएंगे जहां आपको एक आत्मनिर्भर और स्वयं संपूर्ण और आपको पूरे इज्जत के साथ, बाइज्जत सामाजिक इज्जत के साथ, सही इनकम के साथ आपको जीना सिखाएगा। और जो कि आप इतना दिन साइंस पढ़े हैं, ये साइंस का आपको कल्टीवेशन होगा, एप्लीकेशन आप जानिएगा। तो चलिए आज वही दिशा में एक बात बता दे उस सफर शुरू करने से पहले कि मेरा जो रेगुलर व्यूअर्स है, यानी मेरा स्टूडेंट्स ऑफलाइन एंड ऑफलाइन ऑनलाइन, तो उन लोगों को हम जैसे बताएं कि हरेक DMLT BMLT MMLT का हरेक चैप्टर को हम आपको चैप्टर वाइज वीडियो देंगे। हरेक साल का जो टर्मिनल एग्जाम होती है, वो टर्मिनल एग्जाम का पेपर का सॉल्यूशन देंगे, ब्रीफ आंसर, लॉन्ग आंसर, उसमें सभी तरह के आंसर रहेंगे। उसके साथ 10,000 MCQ का हम वो बताए हैं कि कमिट किए हैं, 10,000 MCQ हम आने वाले 2 साल में देने जा रहे हैं। तो ऑलरेडी MCQ सीरीज का 15-16 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप लोग एक बार देख सकते हैं। तो चलिए अब आज शुरू करते हैं कि मेरा कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी है, कुछ ये सब जो हम वीडियो बना रहे हैं, इसका कारण है कुछ हम मेरा पास बहुत सारे इंक्वायरी आ रहा है ओवर फोन, व्हाट्सएप द्वारा, ईमेल द्वारा, सर हम ये पढ़े, BSc ये पढ़े, इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए। तो उन सबको हम कमिट किए थे कि हम तो बहुत जल्दी ही यूट्यूब में एक वीडियो डाल देंगे, आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आपको सेवा में, आज ये जो कोर्स है, कोर्स का नाम है MMLT और MSc MLT, जैसे भी आप कहिए। तो ये हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक इंस्टीट्यूट अलग अलग नाम से बोलता है कि MMLT का मतलब है मास्टर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, और MSc MLT का मतलब है मास्टर ऑफ साइंस इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। जबकि मास्टर ऑफ साइंस इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, इसमें MSc MLT में कुछ यूनिवर्सिटी, कुछ इंस्टीट्यूट्स आपको स्पेशलाइजेशन का मौका देते हैं। ये स्पेशलाइजेशन किस किस सब्जेक्ट पर, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हेमाटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स, ऐसे और सब्जेक्ट आ रहा है और भी आएंगे। तो चलिए इसका देखते हैं कि अगर ये कोर्स कोई भी आप लोग करते हैं तो उसका स्कोप क्या है। स्कोप मतलब कहां आपको चांस मिलेगा, ये नहीं है बात, कहां आपको चांस मिलेगी, कितना जॉब होगा, ये वो होता है करियर। स्कोप होती है कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी नया, कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, उस सब्जेक्ट के दरमियान हम क्या सीख सकते हैं। इसमें हम सीख सकते हैं क्लिनिकल एप्लीकेशंस। क्लिनिकल एप्लीकेशंस क्या है कि एक तो इस तरह का जो लेबोरेटरी है हॉस्पिटल का अंदर, तो इस तरह का लेबोरेटरी को कहा जाता है, नॉर्मली आदमी कहते हैं कि आई ऑफ द हॉस्पिटल, यानी डॉक्टर OPD इंदौर में जो पेशेंट को देख रहे हैं, डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा, तो उसको कुछ खून जांच, पेशाब जांच, बॉडी फ्लूइड जांच, इसका जरिए सही क्या डिजीज हुआ इसको डिटेक्ट करते हैं। तो ये होता है क्लिनिकल एप्लीकेशंस, यानी जो सेहत संबंधित जो क्लिनिकल एप्लीकेशन है उसको हम लोग बोलते हैं, जो क्लिनिकल जो टेक्नोलॉजी हम अपनाते हैं, जो प्रोसीजर से हम टेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं क्लिनिकल एप्लीकेशंस। इसके बाद है डायग्नोस्टिक टेस्ट्स। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है कि कोई भी डिजीज हुआ तो उसके लिए कुछ हम टेस्ट करते हैं, कुछ आइडेंटिफिकेशन करते हैं, खास करके जो माइक्रोबायोलॉजी का स्टूडेंट है वो आप जानते हैं कि बैक्टीरिया, वायरस, पर्टिकुलर चीज को आइडेंटिफाई करने पड़ता है कि व्हिच वन इज दिस, ये कौन सा है, तो आइडेंटिफाई करते हैं। एंड एस्टिमेशन, यानी प्रॉपर वैल्यू क्या है, यानी ब्लड में हीमोग्लोबिन क्या कितना है, ब्लड में बिलिरुबिन कितना है, तो एक्यूरेट वैल्यू एस्टिमेट करना, इसको बोलते हैं
डायग्नोस्टिक टेस्ट्स, आइडेंटिफिकेशन एंड एस्टिमेशंस। अब यह है सुपरवाइजिंग एंड मेंटेनिंग टूल्स एंड लैब प्रोसीजर्स। अब सुपरवाइजिंग क्या है कि एज ए होल कैसा काम चल रहा, ठीक किसका कहां दिक्कत हो रहा है, ये सुपरवाइज करना सबको बारीकी से, इसका मतलब सबको समझ सकते हैं। अब मेंटेनिंग टूल्स मतलब मशीन खराब उड़ा होगी आपको नहीं संभालना होगा। मेंटेनिंग टूल्स का मतलब है कि आपका जो इन्वेंटरी है यानी जो स्टोर आपका जो सामान है, केमिकल्स है, मशीन्स है, इसका प्रॉपर इसका यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, क्या खामी है, क्या जल्दी से लाना है, कौन सामान देर से आए आने से भी चलेगा, कौन टेक्निकल कौन सा मशीन हमको अभी लेना है, इसको बोलते हैं मेंटेनिंग टूल्स। ये फॉरेन में इसका बहुत इज्जत करता है, ये आपको बाकायदा आपका जो एक्सपीरियंस होता है वहां पूछा जाता है कि आपको इन्वेंटरी कंट्रोल के ऊपर कुछ एक्सपीरियंस है कि नहीं, तो इसको इंडियन लैंग्वेज में बोलते हैं मेंटेनिंग टूल्स, वहां बोलते हैं इन्वेंटरी कंट्रोल एंड लैब प्रोसीजर्स। लैब प्रोसीजर्स क्या होती है कि आप कोई टेस्ट कर रहे हैं, तो कोई टेस्ट जो कर रहे हैं तो एक टेस्ट का कई सारे उपाय, कई सारे मेथड्स, कई सारे प्रोसीजर्स बाजार में अकॉर्डिंग टू किट अवेलेबल है डिफरेंट कंपनीज का। आप कौन सा मेथड हम अपना लेबोरेटरी में अपनाएंगे, किसको आज का दिन हम डिस्कार्ड करेंगे, ये मेथड नहीं चल रही है, दूसरा मेथड हमको लाना है, एंड उसके बारे में पढ़ाई पहले तो आपको जानकारी होने होगा। ये लैब प्रोसीजर्स को मतलब किसमें मेरा एक्यूरेट वैल्यू हम ला सकते हैं, पेशेंट का ब्लड टेस्ट करने, कुछ भी टेस्ट करने, मतलब सारे पेशेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले रहे हैं। सो लैब प्रोसीजर्स पर आपको ये कंट्रोल करना सिखाता है। इसके बाद है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल ये जो लैब टेक्नोलॉजी है, लैब टेक्नोलॉजी में आपको क्वालिटी कंट्रोल अहम चीज है। क्वालिटी कंट्रोल आप सब जानते हैं कि क्वालिटी होती है जो एक ही चीज हर एक दिन, जैसे एक मिठाई दुकान एक लड्डू बनाते हैं, उसका लड्डू का टेस्ट दसों दिन खाइए, महीना में दसों दिन एक टेस्ट, ये होती है क्वालिटी कंट्रोल। तो उसी तरह आपका टेस्ट का जो किट है, आपका जो सामान है, वो एक ही सामान सैंपल का एक ही रिजल्ट कई बार दे सकता है, एक घंटे बाद सेम रिजल्ट देगा, 24 घंटे बाद सेम रिजल्ट देगा, अगर प्रॉपरली प्रिजर्व हुआ तो सैंपल तब। एंड क्यूसी मैनेजमेंट यानी क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट। तो क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट इज डायरेक्टली नॉट द स्कोप ऑफ एमएससी और एमएमएलटी। ये हम यहाँ पर इसलिए लिखे हैं कि क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट पढ़ने से पहले तो आपको क्वालिटी कंट्रोल जानने होगा, इसके बाद उसको सिस्टमाइज करने के लिए आपको क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट पढ़ने का दरकार पड़ता है। अब क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट कहाँ और कैसे पढ़ाया जाता है और कौन सा इंस्टीट्यूट का पढ़ने से आपका क्या सैलरी है, क्या जॉब मिल सकती है, उसके लिए हम अलग से वीडियो देंगे। देखिए, एक तो हुआ कोरोना का जो महामारी चला है, जो पैंडेमिक दुनिया भर में चला है, इसमें पूरा जो मेरा जो हकीकत है, ये हकीकत थोड़ा चेंज हो गया। ये हकीकत आदमी को ये सिखाया कि पेट में सबसे पहले दाना चाहिए और सेहत का देखभाल का आदमी चाहिए। ये दो चीज आदमी जान लिया कि कल शॉपिंग मॉल बंद रहने से भी चलेगा, परसों सिनेमा हॉल बंद रहने से भी चलेगा, तरसों टीवी बंद रहने से भी चलेगा, लेकिन दो चीज चाहिए, पेट में दाना चाहिए और आपको सेहत का सेवक चाहिए। सो कोरोना का चलते इसीलिए आज का दिन में ये साइंस सबसे उभर का आया। अब देख रहे हैं कि हर एक जगह बता रहा है इसलिए कि डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मी, इन लोग को इज्जत कीजिए, मतलब यही लोग तो फ्रंट लाइन वॉरियर है। अब एलिजिबिलिटी, जिसके लिए आपको सबसे चिंतित है, उसी को हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें भर्ती होने के लिए आपको तो या बैचलर डिग्री इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और बीएससी इन एमएलटी, इसको चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, आइदर नहीं तो बीएससी ऑनर्स फॉर रिलेटिव फील्ड्स। रिलेटिव फील्ड्स मतलब क्या, आप एमएससी एमएलटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं, अभी आपको पढ़ना है बायोकेमिस्ट्री, तो बायोकेमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन करना है, तो यू शुड हैव बीएससी ऑनर्स इन बायोकेमिस्ट्री। आपको अगर नहीं, सर मेरा माइक्रोबायोलॉजी था, तो माइक्रोबायोलॉजी था
या माइक्रोबायोलॉजी था तो माइक्रोबायोलॉजी यहाँ भी ऑप्शन है। तो आपको बीएससी ऑनर्स इन माइक्रोबायोलॉजी होने से आप डायरेक्ट एमएससी एमएलटी में एडमिशन ले सकते हैं। ये आप लोगों का अहम क्वेश्चन था, बहुत सारे मेरा फॉलोअर्स को ये अहम क्वेश्चन था। सो इसको हम क्लियर कर दिए कि बीएससी ऑनर्स इन माइक्रोबायोलॉजी होने से आप डायरेक्ट एमएससी एमएलटी में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद है बीएससी बायोसाइंस, यानी कुछ भी लाइफ साइंसेस हुआ, जूलॉजी हो सकती है, बॉटनी हो सकती है, फिजियोलॉजी हो सकती है, एंथ्रोपोलॉजी, मतलब लाइफ साइंसेस, बीएससी इन लाइफ साइंसेस अगर है, ऑनर्स नहीं है, ये सब सब्जेक्ट में ऑनर्स नहीं है, तो विद डीएमएलटी यानी इसका साथ डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी चाहिए। इसके लिए आपको 55 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 55 यानी 55% और उससे ज्यादा मार्क्स का जरूरत है। तो चलिए करियर क्या है, करियर में बता रहा है इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स जहां पर भी डायग्नोस्टिक लैब है। एक डायग्नोस्टिक लैब आप बड़े हॉस्पिटल में जाने से देखिएगा, डायग्नोस्टिक लैब है, एक घर का एक ठो लैब नहीं होती है, जैसे प्राइवेट में आप लोग देखे होंगे, वहाँ हर एक डिपार्टमेंट अलग होती है। ये सब जो डिपार्टमेंट लिखे हैं ना, ये सब का हर एक डिपार्टमेंट, और सारे डिपार्टमेंट हम नहीं लिखे हैं। इसके बाद प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक लैब्स जो कि प्राइवेट लैब्स है, ब्लड बैंक, ये बहुत अहम चीज है। ब्लड बैंक में मेन इसको बोलते हैं आज के दिन में ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन इसलिए बोलते हैं कि ब्लड बैंक में आप अभी सुन रहे हैं कि कोरोना का ट्रीटमेंट प्लाज्मा बैंक खोलने का बात हो रहा है। प्लाज्मा बैंक इज द पार्ट ऑफ ब्लड बैंक, सो पार्ट ऑफ ब्लड बैंक उसी तरह है, कोई आदमी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है उसमें भी ये ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन उसमें भी दखल अंदाजी करता है। मतलब ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन डिपार्टमेंट का बिना हेल्प, जैसे किसी को किडनी दे रहा, कोई किसी को लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा, तो ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन लैब होते हुए लैब ही उसको अल्टीमेट परमिशन देगा कि मैचिंग हो रहा कि नहीं। इसके साथ है रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, यानी रिसर्च बहुत तरह का रिसर्च होती है, क्लिनिकल ट्रायल्स पर, जैसे अभी कोरोना का वैक्सीन चल रहा है उसी तरह रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होती है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, यानी अगर आप इसको पढ़ते हैं तो ये भी आगे आए दिन कोई बच्चों आएगा पढ़ने, या तो बीएससी एमएलटी करने आएगा या तो डीएमएलटी करने आएगा, तो उसके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में नौकरी हो सकती है। और फार्माकोलॉजिकल इंडस्ट्री, जैसा हम बताएं कोरोना का भी जो वैक्सीन के लिए चल रहा है, तो कोई फार्माकोलॉजिकल इंडस्ट्री कर रही है, वहां पर भी आपका जॉब का प्रोस्पेक्ट है। ये करियर, अब प्रोस्पेक्ट यानी किस तरह का आपको डेजिग्नेटेड किया जाएगा, ये है लैब टेक्नोलॉजिस्ट, लैब मैनेजर्स, टेक्निकल ऑफिसर। टेक्निकल ऑफिसर खास करके ब्लड बैंक रिलेटेड है, यानी ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन रिलेटेड, उसका गाइडलाइन में है टेक्निकल ऑफिसर होना चाहिए वहां। वहां क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर भी होना चाहिए, और गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में डायग्नोस्टिक लैब सभी जगह क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, आप लोग देखे होंगे बाहर में डायग्नोस्टिक लैब लिख देता है एनएबीएल एक्रेडिटेड, कैप सीएपी, कैप एक्रेडिटेड, ISO 15189-2012, ISO 15189-2017 accredited, इस तरह का जो क्वालिटी कंट्रोल है तो होती है, उसका क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, उसी का अब ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट का लेक्चरर्स, अब एडमिनिस्ट्रेटर यानी कोई भी डायग्नोस्टिक लैब हुआ, ब्लड बैंक हुआ, कोई भी इंस्टीट्यूट का, इसमें जो इंस्टीट्यूट हम दिए हैं करियर में, ये इंस्टीट्यूट का एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकते हैं वो बाद में। एसोसिएट यानी रिसर्च एसोसिएट, लैब साइंटिस्ट और क्वालिटी असेसर, ये बहुत अहम चीज है। क्वालिटी असेसर ये क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है, इसका बाकायदा हम अलग वीडियो बनाएंगे उस समय, अभी तो आपको ये पढ़िएगा उसके बाद ही आप क्यूसी मैनेजर मैनेजमेंट पढ़ पाइएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्वालिटी असेसर का जो असेसमेंट करता है, जैसे बताया ना एनएबीएल कैप, ये सब तो कोई असेसमेंट करता है, थर्ड पार्टी असेसमेंट करती है, सो थर्ड पार्टी असेसमेंट का जरिए ये क्वालिटी असेसर वही लोग होते हैं जो असेसमेंट करते हैं। सैलरी पब्लिक यानी गवर्नमेंट फंड में सैलरी का रेंज कम होती है 40 से 50 हजार, जबकि
प्राइवेट में 30 से 60 हजार, ये शुरुआती दौर का बता रहे हैं, ये आपका मिड टर्म या जिंदगी का एंड का अवस्था नहीं बता रहे हैं, ये शुरुआती दौर में इतना सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब क्या है कि प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स कहाँ आप पढ़ सकते हैं, एम्स है, जिपमर है, पीजीआई चंडीगढ़ है, डिफरेंट स्टेट हेल्थ एंड एलाइड और एलाइड हेल्थ यूनिवर्सिटीज, यानी हर एक स्टेट का अलग अलग हेल्थ और एलाइड हेल्थ यूनिवर्सिटी है, वो लोग ये कोर्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मानिए कि एक स्टेट हम बता रहे हैं, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, इसी तरह हर एक स्टेट का, उस तरह केरला का भी है, केरला का है केरला यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, इसी तरह आप हर एक स्टेट का हेल्थ यूनिवर्सिटी है, नीम्स है जयपुर का, जयपुर का और एक इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, ये शायद एनजेआरपीयू, ये है आपका महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी, उसके बाद डॉल्फिन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस, साई इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस, उत्तरांचल पैरामेडिकल साइंस, ये देहरादून में है, फिर एसजीटीयू, एसजीटी यूनिवर्सिटी गुड़गांव में है, भारत कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंस, ये भारत भारत कॉलेज शायद आपको, भारत कॉलेज साउथ में केरला में है, कोट्टायम में है, कोट्टायम में सॉरी, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पंजाब में है, एटसेट्रा। फीस क्या है, पब्लिक यानी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में आपका फीस 10 हजार से 2.5 लाख रुपया और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में 80 हजार से 6 लाख रुपया तक, काहे कि ये लोग का प्लेसमेंट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट का प्लेसमेंट बहुत बढ़िया होती है। तो चलिए, हमको उम्मीद है आपको ये बहुत समझ में आया, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, और सारे वीडियो का लिंक है, कोई क्वेश्चन होगा हमको व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल कीजिए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल का नाम है MLT ट्यूटोरियल बाय संदीप सर, सो थैंक।